भाई अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर मिनी राणा पॉडकास्ट। तो आज के दिन हम एक बड़े ही टची टॉपिक पे बात करने लगे और वो टॉपिक है डिप्रेशन का। तो हम एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं और अक्सर लोग मोटिवेट होते हैं जर्मनी में आने के लिए, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके बारे में भी बताया जाए। पिछले ही वीक मुझे एक कॉल भी आई थी एक जूनियर की जो कि यहाँ पे बैचलर्स के लिए आए थे, और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि यार यहाँ पर मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे ना बड़ा इश्यूज़ आ रहे हैं, डिप्रेशन वाय मुझे एकदम से डिप्रेशन हो गया है। हालांकि पाकिस्तान में से बिल्कुल मैं ठीक ठाक आया था, बट यहाँ आकर मैं एकदम, एक तो आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल ही लॉकडाउन हुआ हुआ है, लेकिन लॉकडाउन अगर ना भी हो तो काफ़ी लोग जो यहाँ पर आते हैं अक्सर उनमें से कुछ लोगों को डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। और डिप्रेशन एक बहुत ही लाइक बुरी चीज़ है, इन अ सेंस कि आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, आपको बिल्कुल कोई एम आपके सारे ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत ही बुरी तरह आपके माइंड मेंटली भी और फिज़िकली आपको बहुत बुरी तरह ये चीज़ डैमेज करती है। तो आज हम उसी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मेरे साथ हैं जिब्रान भाई। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, क्या हाल है? हाँ, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जुबान भाई, आज का टॉपिक का जिस तरह आपको ऑलरेडी पता है डिप्रेशन के हवाले से, एक बंदा है आपको पता है ऑलरेडी कि वो डिप्रेशन फेस कर रहा है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे किस तरह से उस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं? क्योंकि जब बंदा कोई डिप्रेशन फील कर रहा होता है ना, आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि यार हाँ ठीक है डिप्रेशन ना फील करो, ये करो वो करो। वो कहना आसान होता है, हमें कहने में बिल्कुल सब वो लॉजिकल बातें लग रही होती हैं, लेकिन जो अगला बंदा वो बातें जब सुन रहा होता है उस पर वो उस तरह से उसे नहीं ले रहा होता, वो लाइक बहुत उस ज़्यादा तरह सोच से रहा होता कोप है अप नहीं उसको। कर पा रहा होता। हाँ, तो हम किस तरह से उसका वो डिप्रेशन ना थोड़ा सा कम कर सकते हैं? यार, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें ना एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो क्या बात करना चाहता है, उसको ना उसको बोलने का मौका दिया जाए कि वो किस तरीके से बात करना चाहता है, उसके क्या मसले हैं, उसको किस तरीके से हम जो है कह सकते हैं कि यार देखो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो है ना कि यार ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है, तो ये वक्त गुजर जाएगा ज़रूरी, मतलब एक वक्त आएगा जिसमें वो खुश फील कर सकता है, ये चीज़ें सारी ख़त्म हो सकती हैं। मतलब वो ये उन लोगों को देखे जो कि मतलब जिन्होंने डिप्रेशन में थे और जब डिप्रेशन में देख लिया तो उन्होंने क्या अचीव कर लिया, इस तरीके से वो उसको उसको कोई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, या उसको कोई भी बात इस तरह बताई जा सकती है, या कोई अगर आपके साथ खुद गुजरी है तो उसको बता सकते हो कि आपने क्या क्या किया डिप्रेशन से निकलने के लिए। एग्जैक्टली ठीक है। और कुछ यहाँ पे अक्सर ये भी होता है कि कुछ डिफरेंट वजूहात होती हैं, स्पेशली जो लोग इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आते हैं। पहली वजह जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक यहाँ पे आप उस तरह से सोशलाइज नहीं होते। एक तो लैंग्वेज का भी इशू कह लें कि शुरू में जब आते हैं तो शायद काफ़ी लोगों की लैंग्वेज उस तरह से नहीं होती कि हर किसी से जाके आप गप्पे लगाने लग जाओ, बातें करने लग जाओ। और दूसरा, जर्मन्स उस तरह से ओपन भी नहीं है मेरे ख्याल है, जिस तरह से हम वहाँ के जो हम एशियन पीपल हैं, जर्मन्स उस तरह से उतने ओपन भी नहीं है। इवन लैंग्वेज आ भी जाए तब भी थोड़ा एक बाउंड्री रहती है, वो आप क्रॉस नहीं करते हो। तो ये एक मुझे ये वजह लगती है कि सोशली थोड़ा आप आइसोलेट हो सकते हो, दूसरी मुझे थोड़ा ये भी रीज़न लगता है कि फाइनेंशली अगर आपको पीछे से मसले हैं तो वो यहाँ आके आपको अफेक्ट कर सकते हैं। कि कई लोग बिल्कुल यहाँ पे आते हैं कि जी हम वहाँ से लोन लेकर आए थे तो हमने वो लोन वापस करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है जर्मनी आने के लिए, ऐसे ही। और वो अमाउंट फिर रिकवर करने के लिए फिर आपको होता है कि यार जल्दी से मैं काम करूँ, जल्दी से किसी तरह से पैसे वापस करूं। और अगर कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं नज़र आ रही होती है, शुरू में काम नहीं मिल रहा होता, क्योंकि टाइम लगता है ना हर चीज़ को, पहले 2 3 4 महीने लगते हैं आपको सेटल डाउन होने में, सिस्टम को समझने में, फ़ौरन से आके आप काम नहीं कर सकते हो यहाँ पे, सही है, तो ऐसे वो ही। स्टेज भी बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे कि लाइक इनिशियल फेजेस में उस स्टेज से गुजरना, वहाँ पे काफ़ी लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। और कोई रीज़न्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि किस वजह से हो सकता है? यार जैसे मतलब शुरू शुरू में हम आते हैं ना, जैसे हम पाकिस्तान इंडिया मतलब जो सब साउथ एशियन कंट्रीज से जब आते हैं तो हम वहाँ पे बड़े ना फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। मतलब हमारे पास घर में सारे लोग होते हैं, भाई बहन अम्मी अब्बू रिश्तेदार वगैरह सारे लोग होते हैं, तो हम ना कभी इस चीज़ में जाते ही नहीं हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं अकेले बंद कमरे में होते हैं, बेशक वेके में रह रहे हैं मतलब शेयर अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कमरे में अकेले होते हो, चीज़ें सारी आपको खुद करनी होती हैं, तो वो एक फ़ेज़ होता है जिसमें जब आप ना एक तरह से एक रियलिटी हिट करती है आपको कि यार अच्छा जी अब मुझे खुद करना है जो भी करना है, ठीक है, अब मैं मतलब मेरा ख्याल रखने वाला मैं ही हूँ, मैं बीमार हो गया तो मुझे खुद ही अपने आप का ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके, और फिर आपको ये सारी चीज़ें मतलब आपको बता रही होती हैं कि आपको मसले हो रहे होते हैं कि यार ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, और फिर आपको होम सिकनेस भी स्टार्ट हो जाती है। शुरू शुरू में तो आगे बड़ा अच्छा लगता है कि ओहो हम जर्मनी पहुँच गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक वक्त के बाद ना आपको होम सिकनेस भी शुरू होती है, और होम सिकनेस भी एक एनजाइटी का शक्ल और एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकती है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि एक वक्त के बाद आपको इस चीज़ के लिए अपने आप को
एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ, अब मुझे करना है कुछ। क्योंकि जब आप आ रहे थे तो ये उस टाइम ये सोचना चाहिए कि आप आए क्यों थे, आपने ये सब चीज़ें शुरू क्यों की थी, जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे कि आप इतने ये सारी सारा जो सफ़र था, आप जर्मनी आए, आपने मास्टर्स या बैचलर्स में एडमिशन लिया, उसके बाद आप जॉब करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं कहीं पे, तो ये चीज़ें शुरू करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव था ना आपका, तो वो कैसे शुरू हुआ? हाँ एग्जैक्टली, आपने सही बात की। और एक डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न होप का ख़त्म होना जो जाना भी है, लाइक उम्मीद जो होती है ना, कि आपकी उम्मीद आप छोड़ चुके हो। वो आपको याद होगा मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन की एक मूवी थी, उसमें वो वही बात कर रहा था। उसने सारी उम्र, एक बहुत बड़ा हिस्सा उम्र का उसने जेल में गुजार दिया था, लेकिन वो बड़े सुकून से गुजार लिया था उसने। उसी रीज़न से एट दी एंड वो एक्सप्लेन करता है कि मेरे पास होप थी यार, कभी ना कभी तो मैं निकलूंगा। तो यहाँ भी अगर आपके पास, जब तक वो कहते हैं ना कि नाउम्मीदी कुफर है, तो आई गेस कि आप नाउम्मीदी वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए आपको। लाइक एक छोटी सी उम्मीद की किरण जब तक होती है इंसान की ज़िंदगी में, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो निकल आता है डिप्रेशन से। बिल्कुल जिस तरह मेरी उससे भी बात हो रही थी कि जो हमारा जूनियर था, कि यार आप डिप्रेशन में चले गए, उनसे पूछ रहे थे मैं कैसे निकलूँ इससे। तो मैंने उसे यही कहा था कि वही जिस मकसद के लिए आए हो उसे सोचो, दूसरा उम्मीद कायम रखो, लाइक उम्मीद को ना टूटने दो। तो सही एक है। मेरा उसे ये भी थोड़ा सा मशवरा था। खैर, डिप्रेशन की काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं इसके अलावा भी, लाइक हम तो नहीं कर सकते, बता सकते, हर किसी की डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट रीज़न्स होंगी। लेकिन ये कुछ जनरल रीज़न्स थी जिससे हो सकता है कि डिप्रेशन में आप चले जाएँ जब यहाँ पे आप शुरू में आते हैं। अक्सर ये भी होता है कि कई लोगों की डिग्री ख़त्म हो जाती है अगर उन्हें जॉब ना मिल रही हो टाइम पे, उन लोगों के लिए भी वो बड़ा डिफ़िकल्ट फेस होता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं अक्सर लोग उसमें भी। बट ये कि जिब्रान भाई, क्या लगता है आपको कि हम निकल कैसे सकते हैं डिप्रेशन से? लाइक क्या चीज़ें करते हैं कि हम निकल सकें? यार ये बड़ा ही ना मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुश्किल सवाल इस तरीके से है क्योंकि हर किसी के अलग अलग रीजन्स हैं जाने के, और हर किसी के अलग अलग रीजन्स हैं उससे बाहर आने के। ठीक है, मतलब कोई कोई रेसिपी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने अपने आप को किस तरीके से रोका कि मैं कभी भी ना सवेर डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाऊँ कि यार ये मसला हो गया तो अब क्या होगा मेरे साथ ना। मतलब जैसे लोगों को नींद नहीं आ रही होती, लोगों से खाना नहीं खाया जा रहा होता है, या लोगों का वेट गेन होने लग जाता है अक्सर, ये भी या वेट लूज़ होने लग जाता है, ये भी सारी चीज़ें होती हैं डिप्रेशन में ना। तो जैसे मैंने जो है अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ किया, मतलब मैंने हर वीकेंड पे कोई ना कोई छोटा सा प्लान लाजमी रखा होता था कि यार मैंने कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, जैसे मैं अगर हाइकिंग पे चला गया, या मैं साइकिलिंग पे चला गया, या अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तानी खाने बना लिए, मतलब कढ़ाई बन रही है तो कभी बिरयानी बन रही है, कुछ बन रहा है, मतलब चाहे एक दोस्त ही क्यों ना आ जाओ। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट मैंने अपने लिए रखा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने जर्मनी में स्टार्ट की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे कहते हैं स्टाम्प टिश। स्टाम्प टिश की अगर मैं बिल्कुल सही ट्रांसलेशन करूँ उर्दू में, तो उसको कह रहे हैं बैठक, बैठक जो होती हैं। ठीक है, जर्मनी में आपको हर शहर में कहीं ना कहीं, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो फिर तो बहुत मिल जाएंगी, कि उसमें बैठक होती हैं इस तरह की कि जैसे कि आप जो है जर्मन सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप जो हैं कोई बोर्ड गेम्स हो रही हैं, जैसे कि आप कोई रिलीजन पे बात करना चाहते हैं, या कंप्यूटर पे, मतलब इस तरह के मीटअप्स होते हैं, आप इनको जाओ, इनके हर वीकेंड पे होते हैं या हर दूसरे वीकेंड पे होते हैं, या वीक में होंगे, वहाँ जाओ, लोगों से बात करो, तो आपका ना थोड़ा दिमाग हटता है उस चीज़ से। आपने अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखना होता है ताकि आप इन चीज़ों से दूर रहो थोड़ा सा, आप उस चीज़ के बारे में सोचो, अपने डिप्रेशन के बारे में सोचो। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो मैंने की है अपनी। फिर एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है जो मैंने स्टार्ट की थी, वो थी स्टूडेंट टाइम पे काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग में ये होता है कि आप किसी को अपने पर ठहराते हो और आप किसी के पास जाके ठहर सकते हो फ्री में। तो इस तरह मेरे पास जब मैं स्टूडेंट होता था तो मैंने अपने पास 2-3 लोगों को ठहराया, वीकेंड पे आ गए और उनके साथ घूम भी लिया, बातें भी हुई, तो थोड़ा ना आपको नए नए लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है और आपको कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, और आपकी फिर एक जो पर्सनल टच जो होता है ना लोगों का, वो रहता है आपके पास। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं मशवरा दूंगा कि लोगों को करनी चाहिए एटलीस्ट इस तरह बस के। हाँ, लाइक सोशली इंटरेक्ट करो और अपने आप को बिजी रखो, लाइक कोई ना कोई प्लान रखो कि अच्छा ये करना है। मैंने देखा, अगर आप शुरू में रूटीन भी बना लो ना, हर दिन की या वीकली मैंने ये करना है, मंथली मैंने ये गोल सेट करना है, या ये गोल सेट किया हुआ है तो ये अचीव करना है, तो उससे फिर आपका माइंड एकदम से थोड़ा बिजी रहता है कि हाँ चलो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें एकदम से, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बस फिर शैतान ने आके फिर यही चीज़ें करनी होती हैं। तो खैर हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि काउच सर्फिंग की स्टाम्पटिश यहाँ पे बड़ा अच्छा तरीका है। और मेरे ख्याल में कि हमें, लाइक जिस तरह हम कहते हैं नमाज वगैरह का, कि नमाज, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि नमाज से बड़ा आपका डिप्रेशन दूर होता है,
अगर आप कनेक्ट हो जाते हो, आप शेयर करने के लिए, वो कहते हैं ना जितना आप शेयर करते हो तब आपका दिल हल्का होता है, ऐसे तो आपके पास अच्छे दोस्त हो आप उनसे शेयर कर सकते हो, इसी तरह आप नमाज वगैरह में अल्लाह में से शेयर कर सकते हो, तो उससे आपका दिल बहुत अच्छी तरह से ना आपका दिल काबू में रहता है, या शेयरिंग से बहुत अच्छी तरह से आप उस स्टेज से निकल सकते हो। और जिब्रान भी कुछ चीज़ें, क्योंकि ये टॉपिक ना इतना टची है हाँ, ये बड़े यार, ये बड़े ही और मुश्किल टॉपिक है यार, तो हाँ, लेकिन लाइक इतना सिंपल टॉपिक नहीं है कि हम एक ही हाँ पॉडकास्ट में सारा टॉपिक डिस्कस कर दें और आप लोग डिप्रेशन से निकल आए। लाइक ये हाँ वीडियो देख के मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा अगर डिप्रेशन में गया होगा तो वो निकल जाएगा, जिस तरह जुबान पे भी मेरी बात हो रही थी, ये सिर्फ वीडियो इसलिए है कि आपको एक थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी जाए कि यार आप हाँ क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो जिससे करके शायद आप उस फेज से, या हमें उम्मीद है कि आप उस फेज से निकल सकते हो। तो जुबान भाई ये दो चीज़ें मैं इसमें जी ऐड करूँगा, और वो जी ये कि आपके पास ना कोई जैसे कोई फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जर्मनी में सबसे अच्छी बात ये रहने की, जर्मनी में आपके फिज़िकल एक्टिविटीज़ की ना मतलब एक वैरायटी है। आप साइकिलिंग पे जा सकते हो, आप हाइकिंग पे जा सकते हो, आप स्विमिंग पे जा सकते हो, आप वॉक पे निकल जाओ, आप जो है क्या कहते हैं जिम ज्वाइन कर लो, या जिम ज्वाइन नहीं भी करो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए हैं, जैसे कि सेलिंग के भी एक आप कर सकते हो, या आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं मतलब यहाँ पे जर्मनी में जो आप कर सकते हो फ्री में, ठीक है। फुटबॉल खेल सकते हो, मतलब आपके जर्मनी में एक बहुत बड़ा एक रूल है, उसको कहते हैं एयर एम्पलिश काम करना ना, मतलब आप किसी के लिए वॉलंटियर काम कर सकते हो, आप कोई वॉलंटियर लोगों के लिए हेल्प करो या कुछ करो, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। क्योंकि जब आप किसी और की हेल्प करते हो ना, या किसी और से आप इंटरेक्ट करते हो, या किसी और मतलब कोई भी अपनी एक्सरसाइज करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, आपको अपनी तरफ से फील होता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया, तो वो आपकी फीलिंग जो है ना वो एक तरह से डिप्रेशन को काउंटर कर सकती है। सही है। और एक और चीज़, खैर ये डिपेंड करता है लोगों को, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप बजट ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे फ्लिक्सबुस, इनकी टिकट बड़ी सस्ती मिल जाती है, कभी कभी 15 यूरो, 10 यूरो, आप पता नहीं जर्मनी के कोने से आप क्रोएशिया चले जाओ, ठीक है, 15-20 यूरो के अंदर, तो आप ये बजट ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी सी आप जब अपना सराउंडिंग चेंज करते हो तो आपका ना थोड़ा दिमाग डिफरेंट तरीके से काम करता है, डिफरेंट तरीके से खुलता है, और फिर आप उन चीज़ों को नहीं सोच रहे होते जो कि होती हैं, जो कि मतलब आपको डिप्रेशन में लेके जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है आपको असल में खुद ढूंढना है कि कौन सी चीज़ आपको ना आपके दिमाग को बिजी रखती है और आपको अपने डिप्रेशन वाले थॉट्स से साइड ट्रैक करती है। निकाल सकती है बिल्कुल। बिल्कुल, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना वो हॉबी ढूंढें, वो चीज़ ढूंढें जो आपको अपनी डिप्रेशन से को काउंटर करने में काम करे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह आज जिब्रान भाई लास्ट टाइम मुल्म आए थे बड़े सैड सैड लग रहे थे, हमें पता लग रहा है कि तो जिब्रान भाई शादी कर रहे हैं, अब जिब्रान भाई खुश हाँ हैं तो आप शादी भी कर सकते हाँ शादी करे तो यार फिर शादी करने के बाद दोनों बीवी बीवी ना मिलके डिप्रेस या तो आप लोग बिल्कुल डिप्रेशन से निकल जाएंगे या फिर आप अगली बंदी को भी डिप्रेस कर देंगे तो होंगे। ये अगली दो बंदी चीज़ हो को सकती सुंदर है ही शादी चाहिए, के ये वाली बाद वीडियोस को नहीं भेजूंगा नहीं चले, बड़े कुछ मुफीद मशवरे दिए हैं जिब्रान भाई आपने, बहुत शुक्रिया बात करने का शुक्रिया। भी, और उम्मीद है कि जो लोग अक्सर इस स्टेज से, इस मुश्किल स्टेज से गुजर रहे हैं, हमारी दुआ भी रहेगी कि वो स्टेज से बाहर निकलें। और जर्मनी में यार बहुत कुछ है करने को, बस आपका माइंड ओपन करो, आपके पास लर्निंग के लिए बहुत बहुत चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, कुछ नहीं तो लैंग्वेज आप सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख सकते हो, अपनी डिग्री से रिलेटेड सीख सकते हो, तो कुछ ना कुछ आपके पास होगा आपको बिल्कुल बिजी रखने के लिए, आप वो करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो वो डिफरेंट चीज़ है कि आप बिल्कुल ही, क्योंकि अक्सर होता है कि आप बिल्कुल ही ना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो कि यार नहीं कुछ हो ही नहीं गा ना मुझसे, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो स्टेज फिर ज़्यादा डेंजरस होता है बहुत कि जब खतरनाक पल होता है। बंदा हाँ बिल्कुल ही ना सब कुछ एक उम्मीद ही बंदे के पास ना रहे। बिल्कुल तो आई होप कि अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो इस स्टेज से निकले, और जिब्रान भाई बोल एक बाल का एक आखिरी मतलब शेर पूरा जी याद नहीं है मुझे, जी सिर्फ याद है, थोड़ा सा याद है, वो है पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो आप शजर के साथ पेवस्ता रहो, बाहर आएगी चीज़ें, खुशी मतलब इसमें खुशी आएगी, कभी ना कभी आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे और आपको जो गोल सेट किए थे वो आपके अचीव हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह, उम्मीद नहीं छोड़नी बहुत आपको। अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर आपने बोला, अब मुझे इतनी शेर शायरी नहीं आती, मैं कोई डिप्रेशन बात में चला जाऊंगा कोई मेरे नहीं पास शेर नहीं है टैकल करने के लिए मुझे लेकिन आप पढ़ना भी शुरू कर सकते हो, चलो वैसे ये भी चीज़ थैंक है। बिल्कुल।
चलो बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई मैं शुक्रिया चैनल पे मुनीत आने भाई, के लिए और बिल्कुल इतनी आने के इन्फॉर्मेशन लिए, देने के लिए। इनशाला फिर दोबारा हम जल्द मिलते हैं जब ये बिल्कुल लॉकडाउन का सिलसिला भी ख़त्म हुआ, फिर मीटअप और प्लान नहीं तो करेंगे फिर दोबारा इंशाल्लाह। आपको पकड़ लेंगे। हाँ इनशाला मीटअप प्लान करते हैं। चलो जी, सही ओके है, जीवान भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।